इससे तो जो बिहार में अगली जाति के लोग हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे। तो मैंने जवाब में उनको एक बात कही है कि मैंने जब इस अभियान को शुरू किया तो एक प्रण मैंने अपने आप से किया, एक वादा किया कि वोट मिले ना मिले इस डर से गलत नहीं बोलूंगा। सीधी बात, अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलेंगे तो महिला नाराज हो जाएगी, भूमि सुधार के लिए बोलेंगे तो थारवट नाराज हो जाएगा, जब म्यांमार पर बोल देंगे तो बैकवर्ड नाराज हो जाएगा। जिसको नाराज होना है हो जाओ, होने के बाद जो आदमी बचेगा उसी के साथ दल बनाएंगे, इसीलिए तो दल नहीं बनाएंगे, पहले दल बनाएंगे बन जाएंगे। अरे भाई थारवट कहीं नाराज ना हो जाए, अरे भाई बोलेंगे तो बैकवर्ड नाराज हो जाएगा, अरे उसी में तीस गलत और किसी में हम लोग पड़ गए। किसी के वोट की जरूरत नहीं, किसी के वोट की जरूरत नहीं है, आप समझिएगा। और आपको प्रशांत किशोर अर्जुन सुराज को जिताने के लिए नहीं मेहनत करना, अगर अपना भविष्य अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो खड़ा होइए, मोदी को ही वोट दीजिए, लेकिन मोदी से ये मांगिए कि तुम बिहार में भी बेगूसराय में भी फैक्ट्री लगाइए तब मोदी जी आपको वोट देंगे। हम क्या कह रहे थे आपको, आप दीजिए लालू को वोट, लेकिन अपने बच्चों के लिए पढ़ाई भी तो मांगो। हाँ। भाई लालू यादव से आप अभियान को नहीं समझ रहे, आप समझ रहे कि प्रशांत किशोर आए हैं और आप हमसे सवाल पूछिएगा कि कैसे आप पर भरोसा करें, आप वोट मांगे हैं, बोले हैं कि लोकसभा में हमको वोट दे दीजिएगा, हमको आपका वोट चाहिए ही नहीं, हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी दुर्दशा है। और हमारी समझ से ये दुर्दशा इसलिए है कि आप सजग नहीं है, अपने बच्चों की आपको चिंता नहीं है, आपको ठीक लगे तो मानिए, न ठीक लगे तो जिसका मंगवा मजदूरी कर रहे हैं करते रहिए। वही मोदी विकास कर रहे हैं गुजरात में, बिहार में नहीं कर रहे। तो मालूम है कि बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को हम बिहार का आदमी क्या कह रहा है, इस बार तो मंदिर बन गया बस, अरे मेरे भाई गुजरात में हिंदू नहीं रहता है, गुजरात में बिहार के मुकाबले गुजरात से ज्यादा लोग कार सेवा में गए होंगे पिछले 20 वर्ष में, लेकिन गुजरात के आदमी को और आगे सिटी बनाइए, यहाँ इन्वेस्टमेंट लाइए, बुलेट ट्रेन बनाइए तब ना वोट देंगे। बिहार का आदमी अभी से उछल रहा है, मंदिर बन गया, इस बार बड़ा माहौल बन गया, फिर किसी कह रहा है कि राज्य की कोई कामें नहीं की है। भाई दोनों बात कह रहे हो, दोनों बात कैसे कह रहे हो, अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे, अपने आप को आप प्रबुद्ध बता रहे। आपके जिले में ग्रामीण सड़क की स्थिति बिहार में अभी तक जितने जिलों में मैं गया सबसे ज्यादा खराब है। आपके मंत्री महोदय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन सारे गांवों में फिर से उनको वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सब लोग देगा वोट, सब वोट देगा। तो बेकार चर्चा है कि भैया वोट किसको दीजिएगा, आप भरोसा किस पर कीजिएगा, जब आपको अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ जात का बड़ा राजनीति है, कोई नेता जात का राजनीति नहीं करता है बिहार में, कोई नेता जात की राजनीति नहीं करता। हम आपको कैमरे पर आपको बता रहे हैं, जात की राजनीति आप लोग कहेंगे आपने देखे लालू जी जात का राजनीति करते हैं, हम जादव जी लोग के घर गांव में जाकर कहते हैं लालू जी कहां जात का राजनीति कर रहे हैं, बताओ। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि जादव समाज का आदमी ही बिहार का नेता होगा, सब जादव जी लोग आप लोग आरजेडी को वोट दीजिए। लालू जी कहां कहते, लालू जी ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का नेता होगा, सब जादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। जात का राजनीति कहां हो रहा है, लालू जी तो अपना बेटा का राजनीति कर रहे हैं, जात में तो आप और हम अजुरा है, लालू जी अकेले नहीं है, कोई भूमिहार का नेता है, कोई कुशवाहा का, कोई पंडित का, कोई मांझी का, जो नेता है नेता अपना और अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, जात में हम और आप अजुरा है। यहाँ आके कहता है सब नेता हमको जात में बांट दिया, नेता आपको जात में नहीं बांट रहा है, आप खुद बटे हुए, आप खुद बटे हुए हैं, आप किसी के आपको यही मिलना चाहिए, यू डिजर्व व्हाट यू गेट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व, यही बात है।